केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के सीमांचल दौरे पर हैं। 24 तारीख को वो किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर आएंगे। इस वक्त हम उसी काली मंदिर के परिसर में हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये बूढ़ी काली मंदिर है। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। 100 साल से ज्यादा का भी इसका अपना इतिहास है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इस मंदिर का अपने आप में बहुत महत्व है। भक्तों की बहुत आस्था जो है इस मंदिर में है। और 24 तारीख का दिन इस मंदिर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है सुबह 9:30 बजे आएंगे। यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पे मुख्य पुजारी भी हमें नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत टाइट की गई है। हम मंदिर में आपको ले चलेंगे। और यहाँ पे देखिए, माता काली का भव्य मूर्ति यहाँ पर है। इसकी इनकी पूजा अर्चना करने दूर दराज से लोग यहाँ पर किशनगंज में आते हैं। अब अमित शाह यहाँ पहली बार आ रहे हैं। आप देखिए, यही काली माता का भव्य मूर्ति भी यहाँ पे है। अभी यहाँ पे पूजा भी हुई है और इसी का यहीं पर आके कल दर्शन जो है अमित शाह करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, माता को प्रसाद चढ़ाएंगे। उनके साथ कुछ बीजेपी के अन्य नेता भी जो है रहेंगे। इस मंदिर का अपना अलग इतिहास है। यहाँ पे भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है, इसलिए भक्त जो है यहाँ पर बंगाल से, आसाम से, बिहार के कोने कोने से आते हैं। जो भी किशनगंज आता है एक बार यहाँ मत्था टेकने जरूर आता है। अमित शाह सीमांचल दौरे पर है, उसी के मद्देनजर वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ के जो मुख्य पंडित जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी और क्या कुछ खास होने वाला है जब अमित शाह आएंगे, तो हम उनसे बात करेंगे। जो आपका पहले अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम मलय मुखर्जी है। मलय मुखर्जी जी, कितने सालों से आप हैं यहाँ पे? ऐसे तो मेरा हमारा 3 पुस्त इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं। मेरे दादाजी करते थे, मेरा पिताजी किए, अब हम कर रहे हैं। आप कितने दिनों? करीब 20 साल हो गया। कल अमित शाह जी आ रहे हैं, बहुत बड़ा अवसर है, तो क्या क्या तैयारियां हैं? बस सारा जो साफ सफाई, रंगाई, उनके व्यवस्था के लिए जो भी चाहिए सब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। करीब 15 मिनट अमित शाह यहाँ पर रुकने वाले हैं, तो माता के दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ, उनका पूजा होगा, पूजा करेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे। यहाँ के लोग कितना उत्साहित है? बहुत, काफी उत्साहित है कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं मेरे यहाँ। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग आ रहे हैं। देश के कोई पहला गृह मंत्री है जो? जी जी सर, हाँ जी सर। अच्छा, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, मंदिर है, भक्तों की इसमें बहुत आस्था है, मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर के बारे में आप जैसे बताया, आपके 3 पुस्त यहाँ काम कर रहे हैं, आप 20 सालों से, तो कुछ मंदिर का खास क्या है ये बताइए। खास क्या, यहाँ जो भी अपना मन्नत लेके आते हैं उनका मन्नत पूरी होती है, और फिर वो आके वो पूजा वूजा चढ़ाते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, पठा बलि भी होता है यहाँ पर। और क्या प्रथाएं हैं? और यहाँ यहाँ और एक प्रथा है जो कि यहाँ हम लोग माँ का मूर्ति दान करते हैं, इसलिए ये 2037 तक या 2038 तक यहाँ की मैंने उनका लाइन लगा हुआ है। हाँ, आने वाले 20 सालों का वेटिंग है। हाँ, वेटिंग है मूर्ति का, इस तरह से भी चलता है इनका। जैसे अमित शाह आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी कुछ जो दिक्कत होती है आप लोगों को, अब लगता है कि अमित शाह आएंगे तो उसका जो समस्याएं खत्म होंगी? कुछ समस्याएं भी हैं इधर? हाँ, हो सकते हैं, अगर वो आएंगे तो उनको कहा जाएगा। तो आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं, आप लोगों को इस तरह की समस्याएं होती है वो भी जानना चाहेंगे? अब हम नहीं बता भाई, जो यहाँ के मेन सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट है वो बताएंगे। तो देखिए, यहाँ के पंडित जी हैं, यहाँ पे 20 साल से पूजा करा रहे हैं, इनकी 3 पुस्तें यहाँ रही हैं, तो बता रहे थे कि किस तरह की तैयारी है कल को लेकर। और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि लोगों में जो है काफी उत्साह है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई देश का गृह मंत्री इस मंदिर में आ रहा है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News किशनगंज।